हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सचिन बिंदल फ्रॉम नाटक स्किल सेंटर नियर एस पी मेन ब्रांच चार्ट कॉलेज हिसार। आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर पढ़ रहे थे हम लास्ट वीडियो के अंदर अपने नेटवर्क्स के अंदर हमने स्टार्टिंग किया था टॉपिक अपना टॉपोलॉजीज के, कितने टाइप्स की आपकी टॉपोलॉजीज होती हैं बच्चों। नेक्स्ट हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं मैश टॉपोलॉजी कि मैश टॉपोलॉजीज कैसे वर्क करती है आपकी, मैश टॉपोलॉजीज के अंदर किस किस कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बच्चों पढ़ा था बस टॉपोलॉजी के बारे में, तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मैश टॉपोलॉजी। नेक्स्ट, सबसे पहले मैश होता क्या है। ए नेटवर्क सेटअप वेयर ईच कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेस इज इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर। ये तो हम शुरू से ही पढ़ेंगे बच्चों, नेटवर्क के अंदर भी हमने यही पढ़ा था कि इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू आउट द इंटरनेट। सेम एज यहाँ पे भी आपको वही डेफिनेशन बता रहा है बच्चों, ए नेटवर्क सेटअप, नेटवर्क वो सेटअप किया जाता है वेयर ईच कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेज इज इंटरकनेक्टेड। ईच कंप्यूटर को इंटरकनेक्टेड किया जाता है विद वन अनदर, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से, किस चीज़ के लिए, फॉर अलोइंग मोस्ट ट्रांसमिशन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अलो यानी कि हमें परमिशन कर दे मोस्ट ट्रांसमिशन, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिशन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवन इफ वन ऑफ द कनेक्शन गो डाउन। अगर इनमें से कोई भी एक कनेक्शन डाउन यानी गिर जाता है या आपकी रेंज कम हो जाती है तो इट इज़ अ टॉपोलॉजी कॉमनली यूज फॉर वायरलेस नेटवर्क। तो वो किस टाइप की कॉमनली यूज़ की जाएगी टॉपोलॉजीज, वायरलेस नेटवर्क्स की। बिलो इज अ विजुअल एग्जांपल ऑफ सिंपल कंप्यूटर सेटअप ऑन नेटवर्क यूजिंग ए मैश टॉपोलॉजी। इसने कहा है बिलो इज अ विजुअल एग्जांपल ऑफ सिंपल कंप्यूटर सेटअप ऑन ए नेटवर्क यूजिंग ए मैश टॉपोलॉजी। मैश टॉपोलॉजीज के ऊपर ओवर ए नेटवर्क मैश टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने नेटवर्क की कनेक्टिविटी कैसे दे सकते हैं हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ। हम इसका दोबारा मीनिंग पढ़ रहे हैं बच्चों एक बार, हर एक लाइन्स का अपना एक मीनिंग है। नेटवर्क सेटअप, वहाँ पे सेटअप करना है इसको जहाँ पे ईच कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड, हर एक कंप्यूटर के डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएं विद वन अनदर, एक दूसरे से, अलोइंग और अलो हो जाएं फॉर मोस्ट ट्रांसमिशन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिशन हो सके हमारे डाटा का ओवर द इंटरनेट। अलोइंग ये हो गया। इवन इफ वन ऑफ द कनेक्शन गो डाउन, अगर इनमें से आपका कोई भी एक कनेक्शन डाउन गिर जाता है या स्लो हो जाता है तो इट्स अ टॉपोलॉजी कॉमनली यूज फॉर वायरलेस नेटवर्क। दैट मीन्स फिर आपकी टॉपोलॉजी जो है वायरलेस कनेक्शन को यूज़ कर रही है। बिलो इज अ विजुअल एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कंप्यूटर सेटअप नेटवर्क यूजिंग एंड मैश टॉपोलॉजी। तो हम अपने एक कंप्यूटर को मैश टॉपोलॉजीज की टेक्निक का यूज़ करके एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं कि जब हमारी स्पीड जो है हमारे नेटवर्क्स की वो हाई हो और हम डाटा को स्प्रेड कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड बाई यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू। तो वही है बच्चों, इसका कंप्लीट मीनिंग पढ़ने के लिए देखते हैं हम। ए नेटवर्क सेटअप वेयर ईच कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर, एक दूसरे से जोड़ने के लिए, अलाउइंग फॉर मोस्ट ट्रांसमिशन, उन सब इन कनेक्शन उन कनेक्टिविटी कंप्यूटर्स के अंदर डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए। इफ़ वन ऑफ द कनेक्शन गो डाउन, अगर एक भी कनेक्शन फेल यानी टूट जाता है, इट्स टॉपोलॉजी कॉमनली यूज फॉर वायरलेस नेटवर्क। दैट मीन्स आप उस टाइम वायरलेस टॉपोलॉजी को यूज़ कर रहे हो और अपने कंप्यूटर के सेटअप के लिए नेटवर्क यूजिंग मैश टॉपोलॉजी। हम जनरली अपने एक कंप्यूटर नोड को दूसरे कंप्यूटर नोड से कनेक्ट करने के लिए मोस्टली किसका यूज़ करते हैं, मैश टॉपोलॉजीज। ये थी बच्चों हमारी आज की जो नेक्स्ट, जो हम बस टॉपोलॉजी से नेक्स्ट पढ़ रहे थे मैश टॉपोलॉजीज। मैश टॉपोलॉजीज के बारे में, मैश क्या होता है, हमारा ग्रुप होता है जिसके अंदर आपका रिंग, बस, स्टार, ये नहीं बोल सकते। मैश का मतलब एक जाल, एक ग्रिड होना कि एक नोड का दूसरे नोड से, दूसरी नोड का तीसरी नोड से, तीसरी का फोर्थ से, फोर्थ का फिफ्थ से, देन फिफ्थ फिर से अपना थर्ड से बना ले, थर्ड अपना वापस फर्स्ट से बना ले, फर्स्ट आपका वापस फोर्थ से बना ले, तो सभी का गुच्छा एक एलआई का ग्रुप बन जाना, वो हमारा क्या कहलाता है, एक मैश टॉपोलॉजीज का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट फिर हम इसी से आगे पढ़ रहे हैं बच्चों, एडवांटेजेस ऑफ मैश टॉपोलॉजीज। इसके फ़ायदे क्या क्या हुए थे जब हमारी मैश टेक्नोलॉजीज आई थी सबसे पहले, तो इसके हमें बेनिफिट्स यानी बेनिफिशियल क्या क्या थे, उपयोग क्या क्या हुए। फर्स्ट है मैनेज हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक्स, जितना भी हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक था वो ये कंट्रोल कर लेती थी, बिकॉज मल्टीपल डिवाइस कैन ट्रांसमिट डाटा सेमिटेनियस, क्योंकि इसमें एक टाइम में एक से ज़्यादा कंप्यूटर जो है डाटा को ट्रांसमिट करते थे सेमिटेनियस, मतलब इकट्ठे मिलकर, तो उसमें डाटा का ट्रैफिक जो सिग्नल होता था वो डिवाइड हो जाता था अलग अलग रूट्स पे, तो जिससे वो मैनेज कर लेती थी अमाउंट ऑफ हाई ट्रैफिक अमाउंट को, डाटा को कंट्रोल कर लेती थी। वही इसमें लिखा हुआ है बच्चों, मैनेज हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक्स, हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक्स आने वाली रुकावटों को मतलब पार कर लेती थी, मतलब मैनेज कर देती थी उनको, बिकॉज मल्टीपल डिवाइसेस कैन ट्रांसमिट डाटा सेमिटेनियस, क्योंकि इस मैश टॉपोलॉजीज के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस
एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो होते हैं कि डाटा ट्रांसफर, डाटा का ट्रांसफर करते हैं साइमल्टेनियसली इकट्ठे मिलकर। सेकेंड है फिर ए फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट कॉज अ ब्रेक इन द नेटवर्क और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ए फेलियर ऑफ वन डिवाइस, अगर इस मैश टोपोलॉजी के अंदर से आपके मल्टीपल कंप्यूटर में से कोई भी एक डिवाइस फेल हो जाती है, एक कंप्यूटर खराब हो जाता है, तो डज नॉट कॉज अ ब्रेक द नेटवर्क, तो आपको कनेक्शन को ब्रेक करने की, नेटवर्क को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ना ही ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, डाटा का ट्रांसमिशन रोकने की ज़रूरत है, फिर भी आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे अपने डाटा को इजीली कैरी या ट्रांसमिशन कर सकते हो इफ द एनी कंप्यूटर सिस्टम इज ब्रेक डाउन। कोई भी कंप्यूटर आपका कॉज ब्रेक होता है या सिग्नल ब्रेक हो जाता है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर जो हमने अपने थ्रू आउट द इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है यूजिंग मैश टोपोलॉजी। तो सेकंड पॉइंट आपको यही बताना है बच्चों, ए फेलियर ऑफ वन डिवाइस, अगर इनमें से एक भी डिवाइस कोई फेल होती है तो डज नॉट कॉज ब्रेक इन द नेटवर्क, तो आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, एंड डू नॉट ब्रेक द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, और जिस ट्रांसमिशन की स्पीड से आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसको भी आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली अपने डाटा को सेंड कर सकते हो। अगर इफ एनी वन डिवाइस में कोई आपका फेल हो जाता है तो भी आप अपने डाटा को इजीली कैरी कर सकते हो और इजीली डाटा का ट्रांसमिशन कर सकते हो। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी के अंदर थर्ड पॉइंट, एडिंग एडिशनल डिवाइसेस डज नॉट डिस्प्रेड डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन अदर डिवाइस, यानी कि अगर हमें इसी कंप्यूटर में इसी सेटअप के अंदर मैश टोपोलॉजी में एडिशनल डिवाइस को डज नॉट डिस्टर्ब डाटा ट्रांसमिशन अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो हमारे डाटा के ट्रांसमिशन में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आने देगी बिटवीन अदर डिवाइसेस, दूसरे डिवाइसेस के मुकाबले, बिटवीन अदर डिवाइस अपने और दूसरे डिवाइस के बीच में, क्योंकि नया हमने ऐड किया वो तो सिंपल ही रहे ना, नए तक हम डाटा तो डाल ही नहीं रहे, जस्ट हमने उसको अडॉप्ट कर लिया अपनी टोपोलॉजी के अंदर, जस्ट ऐड किया है, उसका कनेक्शन जब तक अपनी प्रीवियस नोड्स के साथ नहीं बन जाएगा तब तक डाटा का ट्रांसमिशन नहीं होगा स्टूडेंट, तो इसलिए वो क्या है अदर दूसरे डिवाइसेस के ऊपर इंटरप्शन यानी कोई भी इंटरप्शन बीच में नहीं आने देगी डाटा का ट्रांसमिशन होने के टाइम पर। तो वही आपका थर्ड पॉइंट है, एडिंग एडिशनल डिवाइसेज, अगर आप कोई भी एडिंग करते हो एडिशनल डिवाइसेज डज नॉट डिस्प्रेड तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं करेंगी डाटा ट्रांसमिशन में बिटवीन अदर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ में। एडिंग एडिशनल डिवाइस डज नॉट डिस्प्रेड, अगर आप कोई भी एडिशनल डिवाइस इसमें डज नॉट डिस्प्रेड ऐड कर लेते हो अपनी करंट मैश टोपोलॉजीज के अंदर तो डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन अदर डिवाइस जो दूसरी डिवाइसेस पर डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उस नए डाटा नई जो एडिशनल डिस्प्लेट करोगे आप एडिशनल डिवाइस उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, यानी नई डिवाइस का सीधी सी बात है हमारे टोपोलॉजीज का जो सेटअप है उस सेटअप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जैसे अपना कंटिन्यू डाटा का ट्रांसमिशन कर रहा है वो चलता रहेगा। ये थी बच्चों इसके एडवांटेजेस के बारे में कि हमारे मैच जो टोपोलॉजीज पढ़ रहे हैं उसके मेन एडवांटेजेस क्या हैं, हमें फ़ायदे क्या क्या हुए थे, कि हमारा कोई पीसी ख़राब हो जाता है तो अभी आपका डाटा कंटिन्यू चलता रहेगा, अगर आपने कोई नया पीसी आपके करंट मैच टोपोलॉजी में ऐड कर दिया है तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं होगा और वो डज़ नॉट इफेक्ट अदर डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ये मिला करके हमारे थे इसके एडवांटेज। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसके डिसएडवांटेज की, मैच टोपोलॉजीज के बारे में हमारे डिसएडवांटेज, हमें नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, कि हमें इससे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, या हमें इससे किस किस टोपोलॉजी में किस किस कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों डिसएडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी, इसके नुकसान क्या क्या हैं, द कॉस्ट टू इंप्लीमेंट हायर देन द अदर नेटवर्क टोपोलॉजी, कॉस्ट जो है इसको इंप्लीमेंट करने की वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, मेकिंग इट लेस डिजायरेबल ऑप्शन, और इसके लिए लेस डिजायरेबल ऑप्शन, डिजायरेबल का मतलब कंडीशन में डिजायरेबल नहीं है कि आपको कंडीशन मिलेगी ही मिलेगी, वो कंडीशन हो सकता है आपकी स्विच भी कर जाए या हो सकता है कि वो सिस्टम आपका ब्रेक भी कर जाए, तो वही बोल रहे हैं द कॉस्ट टू इंप्लीमेंट इज हायर देन द अदर नेटवर्क टोपोलॉजी, इस जो टोपोलॉजी की कॉस्ट होती है वो वेरी हाई, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, एंड मेकिंग इट लेस डिजायरेबल ऑप्शन, और ये हमारे लिए इतनी लेस डिजायरेबल बहुत कम में डिजायरेबल होती है कि हम यूज़ कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। सेकेंड है फिर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द टोपोलॉजी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग, बिल्डिंग इसको बनाना और इसको मेंटेन इसकी देख रेख करना इस टोपोलॉजी की इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, एंड टाइम कंज्यूमिंग बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग यानी कि टाइम को वेस्ट करने वाला काम है। तो सेकेंड पॉइंट आपको यही बता रहे बच्चों इसको क्लियर करने के लिए कि बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द टोपोलॉजी इसको बनाना एंड मेंटेन इस टोपोलॉजी की देख रेख करना इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड टाइम कंज्यूमिंग बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग यानी टाइम को वेस्ट करने वाला काम है।
तो वही सेकंड पॉइंट है बच्चों इसका, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द टॉपोलॉजी इज डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है इसकी मेंटेनेंस, इसको देख रेख करना, इसको बनाना एंड इस पर टाइम कंज्यूमिंग एंड टाइम को खर्च करने वाली बात है इस टॉपोलॉजी के अंदर, इसलिए ये ज़्यादा मोस्ट यूजफुल नहीं हुई थी। मोस्ट प्रोबेबली हम इसमें टॉपोलॉजी को बहुत ही कम यूज़ करते थे, इसका हम माइनर सी फील्ड में इसका यूज़ करते थे। नेक्स्ट है फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों, रिंग टॉपोलॉजीज। रिंग क्या होता है, हमारा नाम से ही पता चल रहा है, रिंग, रिंग का मतलब लाइक अ सर्कल फॉर्म। यहाँ एक दूसरा एग्जांपल रियल लाइफ का ले लेंगे, रिंग हम हाथ में पहनते हैं, अंगूठियाँ जिसको बोलते हैं वो भी हमारी क्या होती है, गोल्ड रिंग होती है। तो लाइक अ सेम वही कनेक्शन सेटअप करना आपका इन द फॉर्म ऑफ रिंग। जब भी आप अपना डाटा का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हो तो वो जो है किसकी फॉर्म में होगा, एक सर्कल, एक सर्कुलर वेव में, एक रिंग की फॉर्म में होगा। इसीलिए इस टॉपोलॉजी का नाम भी क्या रखा गया है बच्चों, रिंग टॉपोलॉजी। ये रिंग हमारे लिए क्या बेनिफिशियल होती है या रिंग टॉपोलॉजी काम क्या करके देती है, तो फर्स्ट हम यही पढ़ रहे हैं। रिंग टॉपोलॉजी से नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, एक नेटवर्क को सेटअप करता है या एक नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करता है। इन विच डिवाइस कनेक्शन क्रिएट ए सर्कुलर डाटा पाथ, वही लाइन आ गई, वही हम पढ़ रहे थे अभी एग्जाम्पल्स के साथ। इन विच डिवाइस कनेक्शन क्रिएट, अलग अलग डिवाइस के कनेक्शन क्रिएट किए जाते हैं और वो कनेक्शन किस फॉर्म में क्रिएट करते हैं, सर्कुलर डाटा पाथ की फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड रिंग। ईच नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू द अदर डिवाइस, हर एक कंप्यूटर अपने से अगले नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ जुड़ा होगा। लाइक पॉइंट ऑन अ सर्कल टू टुगेदर डिवाइस इन अ रिंग टॉपोलॉजीज आर रेफर टू एज रिंग नेटवर्क। तो डिवाइसेज जितने भी होंगे रिंग टॉपोलॉजीज के अंदर, वो उन्हीं को हम रेफर करते हैं एज अ रिंग नेटवर्क, कि सभी कंप्यूटर्स आपस में मिलकर हमें क्या बना करके देंगे, रिंग का एक नेटवर्क बना करके दे देंगे, रिंग नेटवर्क जिसको हम बोल देते हैं कि रिंग कॉमनली हमारा रिंग नेटवर्क क्या होता है, तो वो हमें बना करके दे देंगे इसका एक एक्चुअल फुली सेटअप। एक बार इसी पॉइंट को हम दोबारा लेके चल रहे हैं बच्चों की, रिंग टॉपोलॉजीज होती क्या है, कैसे क्रिएट की जाती है और ये हम इन्हें इसका नाम जो है रिंग क्यों रखा। सर्कुलर वे में काम करती है तो सर्कुलर वे में क्या होते हैं, रिंग होती है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड नेम इज रिंग टॉपोलॉजी। हम इसको एक बार दोबारा रिपीट करते हैं बेटा फर्स्ट पॉइंट को, ए रिंग टॉपोलॉजी इज ए नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करना होता है यानी नेटवर्क को सेट करना। इन विच डिवाइस कनेक्शंस क्रिएट, जितनी भी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट की जाएंगी वो डिवाइसेस क्या क्रिएट करेंगी, अपना एक कनेक्शन, और वो जो कनेक्शन बनेगा वो किसके फॉर्मेट में बनेगा बच्चों, इन द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर के फॉर्म में बनेगा। इस सर्कुलर पाथ यानी सर्कल यानी कि गोल होता है, उस गोल होने की वजह से ही दैट्स वाई इट्स नेम इज कॉल्ड रिंग टॉपोलॉजी, इसीलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं बच्चों, रिंग टॉपोलॉजी। तो ईच नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू द अदर्स, हर एक जो कंप्यूटर का नेटवर्क यानी कि पहला कंप्यूटर जो है अपने से नेक्स्ट दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच हुआ हुआ होगा। जब वो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अटैच होता है तो लाइक पॉइंट ऑन अ सर्कल, जैसे सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है तो पॉइंट से वो एक लाइन अटैच हो जाती है लाइक सेम। तो टुगेदर डिवाइस इन अ रिंग टॉपोलॉजीज, जितनी भी डिवाइस आपकी रिंग टॉपोलॉजी में होगी उन्हीं सबको हम क्या लेंगे, नाम रेफर्ड एज रिंग नेटवर्क। तो हम उन सबको क्या नाम दे सकते हैं, एक रिंग नेटवर्क की, वो एक सर्कुलर वे में काम कर रही है, आपस में हर एक डाटा एक सर्कल से दूसरे सर्कल को पास होने यानी डाटा का ट्रांसमिशन हो रहा है। नेक्स्ट पे सेकंड पॉइंट है बच्चों इसी के अंदर, इन ए रिंग नेटवर्क पैकेट्स ऑफ डाटा ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू द नेक्स्ट अंटिल दे रीच देयर डेस्टिनेशन। अब बात आती है इसमें डाटा के ट्रांसमिशन की, हमने ये तो बोल दिया कि रिंग टॉपोलॉजीज हैं कि आपकी वन नोड कनेक्ट होगी अनदर डिवाइस से, बट लेकिन जब उसमें डाटा का ट्रांसमिशन हो रहा है तो क्या आपका डाटा मूव कर रहा है वन नोड टू अनदर, और मूव कर रहा है तो जिस जो उसका डेस्टिनेशन था जहाँ डाटा को रिसीव होना चाहिए था, क्या वहाँ पे डाटा रिसीव हो रहा है आपको या नहीं हो रहा, तो वो हमारा क्लियर करता है आपका सेकंड पॉइंट कि रिंग टॉपोलॉजीज के अंदर डाटा का ट्रांसमिशन कैसे होगा, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर या फ्रॉम वन नोड टू अनदर, और डाटा ट्रांसमिशन होने के बाद क्या आपके फाइनल डेस्टिनेशन पर डाटा पहुँचता है या नहीं पहुँचता, वो हम क्लियर कर रहे हैं इस सेकेंड पॉइंट के अंदर बच्चों। तो हम सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं, इन अ रिंग नेटवर्क पैकेट्स ऑफ डाटा ट्रैवल, जो डाटा का पैकेट्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं हमारे फ्रॉम वन डिवाइस टू नेक्स्ट, एक डिवाइस से नेक्स्ट डिवाइस पे, कब तक, अंटिल दे रीच देयर डेस्टिनेशन, जब तक वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन फाइनल जगह पे नहीं पहुंच जाता सारा डाटा, तब तक ये ट्रैवल जो है डाटा का पैकेट जो है वो मूव होता रहता है ओवर इंटरनेट वायर्स में। मोस्ट रिंग टॉपोलॉजीज अलाउ पैकेट टू ट्रैवल ओनली वन डायरेक्शन। अब इसने एग्जांपल लिया है कि मोस्टली जब भी हम रिंग टॉपोलॉजीज को यूज़ करते हैं तो डाटा आपका हमेशा एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल रिंग नेटवर्क, जिसको बोलते हैं हम यूनिडायरेक्शन की, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अदर्स परमिट डाटा टू मूव इन आइदर डायरेक्शन, इसके अलावा जो अदर्स आपकी रिंग टॉपोलॉजीज बच जाती हैं वो क्या करती है, परमिट करती है डाटा को मूव इन आइदर किसी भी डायरेक्शन में, आर कॉल्ड बाई डायरेक्शन, उनको हम क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल।
अब बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है कि आपका डाटा जा भी रहा है और आपके पास डाटा वापस पहुंच भी रहा है, मतलब कि आपकी तरफ से डाटा दूसरे के पास जा रहा है, दूसरे का डाटा आपके पास आ रहा है, दैट इज़ बाई डायरेक्शनल, कि दोनों तरफ काम करेगा। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है, आपके पास है डाटा सिर्फ जा रहा है, आपके पास वापस आने का कोई भी चांस नहीं है, या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो आपने डाटा पैकेट इस पे वायर्स के थ्रू सेंड किया था वो सामने डेस्टिनेशन में पहुँच गया या नहीं पहुँच गया, दैट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल। तो यही आपका सेकेंड पॉइंट क्लियर करना था बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एडवांटेजेस। कि अब रिंग टोपोलॉजीज के हमें फ़ायदे क्या क्या हुए थे, हमने रिंग टोपोलॉजीज को पढ़ा तो, लेकिन उसके कुछ फ़ायदे भी तो होने चाहिए तभी हमें बेनिफिशियल है, तो अब इसके फ़ायदे क्या क्या हमारे पास रिंग टोपोलॉजीज के वो पढ़ेंगे। ऑल डाटा फ्लो इन अ वन डायरेक्शन, अगर आपका सारा डाटा फ्लो कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, रिड्यूसिंग द चेंज ऑफ पैकेट्स कॉलिजन, तो इससे आपका क्या हो सकता है, रिड्यूसिंग कम कर सकते हो आपका कॉलिजन ऑफ पैकेट्स, आपका एक डाटा जा रहा है दूसरे डाटा से ना टकराए, दूसरा पैकेट तीसरे से पैकेट से ना टकराए, उन चीज़ों के बीच का जो चांस ऑफ नेटवर्क कॉलिजन है वो बहुत कम हो जाता है अगर वो आपका वन डायरेक्शनल है, तो क्योंकि एक डायरेक्शन में चलता रहेगा साथ 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 उसी डायरेक्शन में वापस आएगा तो आपका डाटा का कॉलिजन होगा, तो डाटा की कॉलिजन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाती है इन वन डायरेक्शन अगर वो आपका वन डायरेक्शनल पैकेट सेंड हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, नेटवर्क सर्वर इज नॉट नीडेड टू कंट्रोल नेटवर्क कनेक्टिविटी इन नेटवर्क। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इन नेटवर्क सर्वर इज नॉट नीडेड, जरूरी नहीं है नेटवर्क सर्वर का होना टू कंट्रोल नेटवर्क कनेक्टिविटी, नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए नेटवर्क सर्वर का होना कोई कंपल्सरी नहीं है बिटवीन ईच वर्क स्टेशन, हर एक वर्क स्टेशन में। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर आपका एक पीसी कनेक्ट है और उस एक पीसी कनेक्टेड पीसी से डाटा आपका अदर पीसी में जा रहा है तो उसने कहा है कि डज नॉट नीड टू कंट्रोल नेटवर्क कनेक्टिविटी, आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है और नेटवर्क सर्वर की भी ज़रूरत नहीं है टू कनेक्ट द नेटवर्क, नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए आपस में। तो वही इसने बोला कि नेटवर्क सर्वर इज़ नॉट नीडेड, किसी सर्वर की जरूरत नहीं है टू कंट्रोल नेटवर्क कनेक्टिविटी, नेटवर्क की कनेक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए बिटवीन ईच वर्क स्टेशन, हर एक कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका डाटा ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी सही जा रही है तो। नेक्स्ट फिर आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे बच्चों, डाटा कैन ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है इसी का, डाटा कैन ट्रांसफ़र बिटवीन वर्क स्टेशन एंड हाई स्पीड। रिंग टोपोलॉजीज के अंदर क्या है, जब भी आपका डाटा ट्रांसमिशन होता है उसकी स्पीड बहुत हाई होगी, क्योंकि एक सिंगल लाइन के अंदर चलना होता है बच्चों, तो जब लाइन के अंदर जाएगा तो वो फास्टली, बहुत फास्टली मूव करता हुआ आपका डाटा फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट फोर्थ पॉइंट, एडिशनल वर्क स्टेशन कैन बी एडिट। सेम वही बात आ रही है जैसे हमने मैच में किया था, अगर इसके अंदर भी कोई एडिशनल आपको कंप्यूटर की डिवाइस कनेक्ट करनी है विदाउट इंपैक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क तो आप वो इजीली कर सकते हो, यानी कि अगर हम अपने ड्यूरिंग वर्क आपका डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है और आपकी रिंग टोपोलॉजी के अंदर कोई एक और रिंग ऐड होनी चाहती है तो ऐड हो सकती है इसी, और उसका इंपैक्ट हमारे डाटा ट्रांसमिशन पर नहीं होगा, अदर डिवाइसेस जो भी हमारी ड्यूरिंग कनेक्टिविटी है उसके अदर डिवाइसेस का इफेक्ट डज नॉट इफेक्ट ऑन द अनदर डिवाइस, यानी कि अनदर न्यू डिवाइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डाटा ट्रांसमिशन फिर भी हमारा स्पीडली चलेगा। नेक्स्ट फिर बच्चों इसी के आते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस के ऊपर, कि इसके नुकसान क्या क्या हुए थे रिंग टोपोलॉजीज के, हमने पढ़ तो लिया, एडवांटेजेस तो काफ़ी हैं लेकिन हर एक चीज़ के क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, तो सेम एज हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस, कि इस टोपोलॉजीज के हमारे पास नुकसान क्या क्या हुए थे। ऑल डाटा बीइंग ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क, ये तो हमें पता ही, हम पढ़ रहे हैं शुरू से कि जितना भी डाटा होता है हम ट्रांसफर करते हैं ओवर द नेटवर्क, नेटवर्क के थ्रू, एंड मस्ट पास थ्रू ईच वर्क स्टेशन ऑन द नेटवर्क। ऑल डाटा बीइंग ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क मस्ट पास थ्रू, जिसके थ्रू पास होना है ईच वर्क स्टेशन, जितने भी उसमें वर्क स्टेशन कनेक्टेड है ऑन द नेटवर्क, एक नेटवर्क के ऊपर जितने भी वर्क स्टेशन आपके कनेक्टेड है उन सब के ऊपर डाटा का ट्रांसफर करना, विच कैन मेक इट स्लोअर दैन द स्टार टोपोलॉजी। ये यहाँ पे रिंग के अंदर क्या हो जाता है, स्लो हो जाते हैं थ्रो द स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजीज के मुकाबले। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ गया कि डाटा की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है एज कम्पेयर टू स्टार टोपोलॉजी। तो वही फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर कर रहा है बच्चों, ऑल डाटा बीइंग ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क मस्ट पास थ्रू ईच वर्क स्टेशन, जब भी डाटा आपका पास होता है थ्रू द नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑल कंप्यूटर सिस्टम दैन इट्स स्पीड इज स्लोअर दैन द स्टार टोपोलॉजी, तो उसकी स्पीड जो होती है स्लो हो जाती है एज कम्पेयर टू स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट आता है फिर सेकेंड पॉइंट बच्चों, द एंटायर नेटवर्क विल बी इम्पैक्टेड, पूरा का पूरा जो नेटवर्क होता है वो इम्पैक्ट हो जाता है इफ़ वन वर्क स्टेशन शट डाउन, अगर आपका एक वर्क स्टेशन शट डाउन हो गया तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क खत्म, यानी पूरा का पूरा नेटवर्क ही शट डाउन हो जाएगा, यानी कनेक्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, द हार्डवेयर नीडेड टू कनेक्ट ईच वर्क स्टेशन,
हर एक कनेक्टिविटी के साथ, हर एक वर्कस्टेशन कंप्यूटर के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। नेटवर्क इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन द इथरनेट कार्ड्स एंड हब स्विचेस। तो ये बहुत एक्सपेंसिव, सस्ता होता है, एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या लगाने पड़ते हैं, इथरनेट कार्ड्स एंड हब एंड स्विचेस टू टेक द डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन द डिवाइसेज। दो डिवाइसेज के बीच में डाटा का ट्रांसमिशन लेने के लिए हमें यहाँ पे इसके अंदर इथरनेट कार्ड्स हब या स्विचेस का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए हमारे लिए एक्सपेंसिव भी पड़ती है रिंग टोपोलॉजी स्टूडेंट। हम इसलिए रिंग टोपोलॉजीज को मोस्टली अपने लास्ट पार्ट में यूज़ करते हैं, उसको फर्स्टली यूज़ ना करते, क्योंकि हमारे लिए महंगी हैं, इसके लिए हमें इथरनेट कार्ड्स का, स्विचेस एंड हब्स का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट फिर इसी के बाद पढ़ते हैं बच्चों क्लाइंट, कि क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट का मेन रोल क्या है। ए क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स टू यूजर टू द रिसोर्स टू रिमोट कंप्यूटर, अदर यूजर्स को कनेक्ट करने का काम करता है बाय यूजिंग रिमोट के थ्रू ऑन सर्वर, एक सर्वर के ऊपर। मैनी कॉपरेट नेटवर्क्स कंप्राइज ए क्लाइंट कंप्यूटर फॉर ईच एम्प्लॉय ऑफ ईच कनेक्ट्स टू द कॉपरेटिव सर्वर। हर एक यूजर, हर एक क्लाइंट्स अपना एक ईच कॉपरेटिव सर्वर के साथ कनेक्ट होगा। दिस सर्वर प्रोवाइड रिसोर्स, अब वो जो सर्वर है जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं वो रिसोर्स क्या क्या प्रोवाइड करता है, लाइक फाइल्स, इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, इंट्रा इंटरनेट एक्सेस, एक्सटर्नल प्रोसेसिंग पावर। इन केस ऑफ प्रोसेसिंग, एनी वर्क डन ऑन द सर्वर इज रेफर्ड एज सर्वर साइड वर्क, एनी वर्क डन कैन द लोकल क्लाइंट इज सिमिलरली कॉल्ड क्लाइंट साइड। तो अभी तो हम बात कर रहे थे क्लाइंट की बच्चों, तो क्लाइंट अपने अंदर कौन कौन सी फाइल्स को इंक्लूड करता है, लाइक फाइल रिसोर्सिस फाइल्स, इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, इंटरनेट एक्सेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेसिंग पावर। इन केस ऑफ प्रोसेसिंग, एनी वर्क डन बाय एनी वर्क डन ऑन द सर्वर इज रेफर्ड, तो उन सबको हम क्या रेफर करते हैं, एज सर्वर साइड वर्क, कि सर्वर की साइड से वर्क हो रहा है। एनी वर्क डन ऑन लोकल क्लाइंट, कोई भी वर्क डन किया जाता है लोकल क्लाइंट पे इज सिमिलरली कॉल्ड क्लाइंट साइड, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इज कॉल्ड क्लाइंट साइड, कि क्लाइंट की साइड से कोई डाटा हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, कुछ इंटरनल कनेक्टिविटी हो रही है हमारे सिस्टम, हमारे वर्क स्टेशन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट साइड, यानी कि रिमोट साइड और क्लाइंट साइड बोल सकते हैं। क्लाइंट यानी क्लाइंट यूजर्स को ऐड करेगा बाय रिमोट लॉगिन टू द अनदर कंप्यूटर और अनदर वर्क स्टेशन टू डाटा ट्रांसमिशन के लिए। नेक्स्ट है फिर सेकेंड पॉइंट बच्चों, क्लाइंट इज ऑल्सो अनदर नेम फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू कनेक्ट अ सर्वर। वही मीनिंग आ गया, अभी हमने यही पढ़ा कि क्लाइंट को हम ऑल्सो कॉल्ड अनदर नेम भी दे सकते हैं फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, क्या बोल सकते हैं उसको, एज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू कनेक्ट अ सर्वर, सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हम उसको एज ए नाम दे सकते हैं, कनेक्टेड टू अ सर्वर। तो क्लाइंट इज ऑल्सो अनदर नेम, क्लाइंट उसको क्या हो सकता है, अनदर नेम ही दिया हमने, है वो एज ए हमारा सॉफ्टवेयर ही, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह ही काम करेगा कनेक्ट सर्वर से कनेक्टेड करने के लिए। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, ए क्लाइंट कैन ऑल्सो बी द अनदर टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ यूजर। और हमने क्लाइंट किसको नाम दिया, यूजर को, जो उस कंप्यूटर उन वर्क स्टेशन को ऑपरेट कर रहा है, जो डाटा का ट्रांसमिशन वहाँ से देख रहा है या डाटा को सेंड कर रहा है या डाटा को रिसीव कर रहा है, तो उस डाटा यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इसको अनदर नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट। तो वो डिस्क्राइब करता है यूजर की एक्टिविटीज को, तो वहीं लास्ट लाइन लिख रखिए, इज कॉल्ड अनदर नेम टर्म्स टू डिस्क्राइब अ यूजर, हम उसको यूजर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी के अंदर फायरवॉल, कि अब कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट कर दिया, उन कंप्यूटर्स के अंदर डाटा का ट्रांसमिशन भी होना शुरू हो गया, तो डाटा का लॉस ना हो या हमारी विंडो फायरवॉल सिक्योरिटी लॉस ना हो, उस चीज़ को बचाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है बच्चों, फायरवॉल। तो हमारे दो कंप्यूटर्स के बीच में जब भी डाटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, उनके बीच की विंडो को इंक्रप्शन होने से बचाने के लिए हमारा क्या प्लेस किया जाता है, एक फायरवॉल यूटिलिटी। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं बच्चों इसी के अंदर फायरवॉल, कि फायरवॉल होती क्या है। ए फायरवॉल इज़ अ सॉफ्टवेयर यूटिलिटी और हार्डवेयर डिवाइस दैट एज एज ए फिल्टर, डाटा की फिल्टरिंग का काम करेगी, डाटा एंट्रिंग, डाटा उसके अंदर जाएगा और लिविंग इन नेटवर्क और कंप्यूटर, और उस कंप्यूटर या नेटवर्क को ख़त्म यानी छोड़ देगा। यू कुड थिंक अ फायरवॉल एज ए सिक्योरिटी गार्ड, आगे जैसे हम सोचते हैं कि फायरवॉल इज लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड होता है, दैट डिसाइड करेगा कि हु एंटर और एग्जिट ए बिल्डिंग, कि कौन हमारी बिल्डिंग के अंदर एंटर होगा, कौन बाहर जाएगा। ए फायरवॉल वर्क बाय ब्लॉकिंग और रिस्ट्रिक्टिंग नेटवर्क पोर्ट्स, आ गया कि फायरवॉल क्या करती है, बाय ब्लॉकिंग करने का काम करेगी कोई अनरिस्ट्रिक्टेड अगर नेटवर्क आ रहा है, और रिस्ट्रिक्टिंग नेटवर्क पोर्ट्स, उन नेटवर्क पोर्ट्स को ब्लॉक कर देगी, अपने अंदर ऐड नहीं होने देगी। फायरवॉल्स आर कॉमनली यूज टू हेल्प प्रिवेंट अनऑथराइज, वही आ गया कि कौन अनऑथराइज पर्सन को यूज़ होने से, टू बोथ कंपनी एंड होम नेटवर्क्स, किसी भी कंपनी में है या किसी भी घर के होम नेटवर्क्स के अंदर अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस करने से रोकेगी। नेक्स्ट है फिर बच्चों इसी के अंदर रिपीटर्स क्या होते हैं, लाइक गेटवेज या फिर आउटर स्विचेज ही होती हैं, जो हमारी बैंडविड्थ को सिग्नल्स को हाई बनाने के लिए लगाए जाते हैं जगह जगह लैंस वायर्स के अंदर।
तो रिपीटर इज एन ऑब्जेक्ट्स दैट इंक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ, आ गया हमारी बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए सिग्नल्स की, या उनके सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज बढ़ाने के लिए, सो इट कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव ओवर अ ग्रेटर डिस्टेंस, तो सो इट कैन बी ट्रांसमिट डाटा का ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता हूँ ओवर अ ग्रेट डिस्टेंस, एक बहुत बड़े डिस्टेंस के अंदर विदाउट लॉस ऑफ क्वालिटी, हमारे डाटा की क्वालिटी को लॉस हुए बिना हम अपने लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर डाटा को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। दीज डिवाइसेज आर कॉमनली यूज विद नेटवर्क, इन डिवाइसेज को कॉमनली किस पे यूज़ किया जाता है, नेटवर्क्स पे, टू हेल्प टू लाइन रनिंग, जो लाइन्स आपकी रनिंग कर रही है करंट सिस्टम से, बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेज, नेटवर्क डिवाइसेज के बीच में रीच फादर डेस्टिनेशन, और फाइनली हमारे डाटा को किस पे पहुँचाना होता है, डेस्टिनेशन के ऊपर। नेक्स्ट है बच्चों इसी के अंदर फिर नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है ब्रिज, ब्रिज लाइक कनेक्टिविटी यानी कि गेटवेज का काम करता है, ब्रिजेज आर द गेटवेज टू कनेक्ट द टू लैंस टूगेदर या टू नेटवर्क्स टूगेदर। When referring to the computers, a bridge is a device that connect two lanes. वही कस्टम ने बता रहा था आपको बच्चों कि ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है दो लैंस को, लोकल एरिया नेटवर्क और टू सेगमेंट्स ऑफ द सेम लैन जो कि सेम टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करेगा। अनलाइक ए राउटर, ब्रिजेस आर प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट, ये आपके किसी भी तरह के प्रोटोकॉल पर डिपेंड नहीं करते हैं। दे फॉरवर्ड पैकेट्स विदाउट एनालिसिस, ये सिर्फ आपके डाटा को अपने पास रखेंगे नहीं, देन डायरेक्टली आगे फॉरवर्ड कर देंगे विदाउट एनालाइजिंग एंड राउटिंग मैसेजेस, उनको बिना चेक किए बिना देखे उनको डायरेक्ट आगे प्रोटोकॉल पे सेंड कर देंगे। ये था बच्चों हमारा नेक्स्ट, फिर इसी के बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक है टाइप ऑफ नेटवर्क्स, कि हमारे जो नेटवर्क्स हैं कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल्स के अंदर नेटवर्क्स के कनेक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो वही हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बच्चों इसी के अंदर टाइप ऑफ नेटवर्क्स, कि नेटवर्क्स हमारा कितने टाइप्स का होता है। नेटवर्क्स के आपके तीन टाइप्स हैं लैन मैन एंड वैन। फर्स्ट वन हम पढ़ रहे हैं लैन, शॉर्ट फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ए लैन हैज नेटवर्किंग इक्विपमेंट और कंप्यूटर इज क्लोज प्रोक्सिमिटी टू ईच अदर कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग शेयरिंग रिसोर्सिंग इन्फॉर्मेशन, वही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है, दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, शेयर करना इन्फॉर्मेशन को, वेयरिंग करना, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट होम एंड बिजनेस नेटवर्क, होम एंड होम हो गया या छोटे मोटे बिजनेस हो गए। मैन है फिर शॉर्ट फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज यूटिलाइज अक्रॉस मल्टीपल बिल्डिंग्स, एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स में आपस में कनेक्टिविटी देने के लिए। ए मैन इज मच लार्जर दैन द स्टैंडर्ड लैन, मैन जो होता है वो लार्जर बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लैन, बट इज़ नॉट लार्ज एज ए वैन, वैन से बड़ा नहीं होता। ए मैन इज कॉमनली यूज इन स्कूल कैंपस लार्ज कंपनीज विद मल्टीपल बिल्डिंग्स, मैन जो नेटवर्क है वो कहाँ पे सिंगल स्कूल हो गया, कंपनीज हो गया, या फिर मल्टीपल बिल्डिंग्स, एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स के अंदर इंट्रा कनेक्टिविटी देने के लिए उसी बिल्डिंग के अंदर। नेक्स्ट है फिर वैन, शॉर्ट फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, वही कंप्यूटर्स को कनेक्टेड किया जाता है। वाइड जियोग्राफिक एरिया आर कॉमनली कनेक्टेड आइदर थ्रू द इंटरनेट और स्पेशल अरेंजमेंट, या तो वही आप इंटरनेट के थ्रू सारी कनेक्टिविटीज प्रोवाइड कराओगे, या फिर क्या करें विद फोन कंपनीज और अदर सर्विस प्रोवाइडर, या तो उनकी कंपनीज की सर्विस को फ़ोन करके आप अपने कनेक्शन को एस्टेब्लिश करो या फिर अदर सर्विस प्रोवाइड कराओ। ये था बच्चों हमारी आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक जो था हमारा बेसिक इंटरनेट के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा बेसिक का टॉपिक है उससे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।